आर यू डिप्रेस्ड? क्या आप डिप्रेस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं? आपको भी फ्रस्ट्रेशन होती है, कर्म कर रहे हो बट फल नहीं मिल रहा है, लाइफ में ढेर सारी टेंशन हैं? तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग विद गौरव। गाइस, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, मतलब कि आप हर समय मोटिवेटेड कैसे फील करें। एक मोटिवेशन जो होता है ना, वो हमेशा कैसे खुद को मोटिवेटेड महसूस करें, खुद को कैसे मोटिवेट करें हमेशा। देखो, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो या किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, तो इतनी बड़ी बड़ी और ऐसी बातें करेंगे कि आप मतलब सोचो यार बस मैं अभी ही कर देता हूँ, मतलब इतनी एनर्जी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे। बट जैसे ही वो 5-10 मिनट की वीडियो ख़त्म होगी या कोई सेमिनार अटेंड कर लो, तो जैसे ही आप उस सेमिनार से या उस वीडियो से बाहर आओगे, तब आपको रियलिटी पता चलती है। तो यार मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते हैं और जो रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। मतलब आप इतने सारे बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस हैं उनको पढ़ लो, तो आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करोगे, यार लगेगा यार लाइफ तो कितनी आसान है, मतलब सब यूँ हो जाएगा, मतलब जो भी है, जो भी मैं करना चाहता हूँ या जो भी मैं सोच रहा हूँ, वो तो सब बहुत इजीली हो जाएगा। बट रियलिटी टोटली डिफरेंट है। हर पॉइंट पर आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता ही है यार जिस पॉइंट पर आप मतलब थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो वो हर किसी के साथ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो हम कोशिश कर सकते हैं ना, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, बट हाँ आपको एक होप जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन क्या है। तो आप बताओ मोटिवेशन क्या है, कमेंट में बताना है कि आपके लिए मोटिवेशन क्या है, ठीक है, मोटिवेशन का क्या मतलब समझते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोटिवेशन क्या है। यार मोटिवेशन ना ओवरऑल देखें तो यार मोटिवेशन है रिजल्ट, कोई भी आप काम कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो मोटिवेशन है। फॉर एग्जांपल आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जब आपका मोटिवेशन है कि उस एग्ज़ाम में पास होना जो रिजल्ट मिलेगा, या एक और इजी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मोटिवेशन है वो गवर्नमेंट जॉब। तो आपके जो प्रिपरेशन का टाइम है, तो उस टाइम पर आपको क्या मोटिवेट करता है कि यार हाँ अगर मैंने ये एक साल मेहनत कर ली तो एक साल बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मुझे ये फ़ायदे होंगे। तो वो फ़ायदे, वो रिजल्ट ही मोटिवेशन है, ठीक है। तो सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट ही मोटिवेशन है। ओके, तो मैंने कह दिया कि यार रिजल्ट ही मोटिवेशन है, बट क्या हमेशा मोटिवेटेड रहना ईजी है, मतलब ये बहुत ईजी है कि हमेशा आप मोटिवेटेड रहो? तो गाइज़ ये बिल्कुल भी इजी नहीं है यार, और ऐसा मतलब बहुत कम हो सकता है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो। लाइफ मैंने बताया आपको कि किसी न किसी पॉइंट पर आप डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेट और वो फील करोगे ही, बट ये अप्स एंड डाउन्स हैं यार, यही जर्नी का मज़ा होता है। मतलब बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो यही टाइम आपको याद आएगा कि यार हाँ मैं डिप्रेस था, मैं फ्रस्ट्रेट होता था। तो ये सारी चीज़ें ना जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, यही आपको मतलब आपकी जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से कम बैक करना, मतलब उसी के अंदर घुसते जाओगे तो बहुत मतलब बहुत ख़राब कंडीशन हो सकती है, बट उससे कम बैक करना सबसे ज़रूरी है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, जब हम मतलब हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, तो एक पॉइंट पे लगता है कि यार छोड़ देता हूँ, मतलब नहीं हो रहा है तो मुझे क्विट कर देना चाहिए। तो यहीं से अगला पॉइंट स्टार्ट होता है कि क्विट नहीं करना है। तो यार देखो, मतलब एक वो है कोई संस्कृत का श्लोक कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बट रियल लाइफ में ना ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये भी एग्जैक्ट फॉलो नहीं होता है कि आप कर्म करते जाओ आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको फल की चिंता मतलब बिल्कुल करनी ही नहीं है। अगर आप कर्म कर रहे हो ना, तो आपको फल की चिंता नहीं करनी है, और फल मिलेगा ये भी नहीं। आपको बस ये है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक करूँगा, ये नहीं कि बस मैं इतने टाइम तक करूँगा उसके बाद छोड़ दूँगा। तो आपको क्विट कभी भी नहीं करना है, जो भी काम कर रहे हो, जो एग्ज़ाम या जो भी आपका है,
जो भी आपका ड्रीम है उस पर काम कर रहे हो तो काम करते रहो बस। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, बाय चांस आपसे नहीं भी होता है ना, तो लास्ट में आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार मैंने एनएफ कोशिश की और मेरा नहीं हुआ, तो वो भी एक खुशी देगा। वो सेटिस्फेक्शन जो है ना वही खुशी है, मतलब जो हैप्पीनेस है वो सेटिस्फेक्शन से ही आती है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपको मतलब ये डिप्रेशन और ये सब चीज़ें फील नहीं होंगी, क्योंकि आपने यार आपने मेहनत की है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना आपकी। आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट आपने मेहनत तो एनएफ की थी, तो आपको लास्ट में ये नहीं लगेगा कि यार अगर मैं एक ट्राई और करता तो क्या पता हो जाता। तो ये सोचने के लिए तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपने तो एनएफ कोशिश की, उसके बाद भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मतलब ये सेटिस्फेक्शन जो है ये भी आपको खुशियाँ दे सकता है। तो अगला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, सेटिस्फेक्शन। अब सक्सेस और सेटिस्फेक्शन, तो ये दो चीज़ें हैं यार। देखो अगर आपको चूज़ करने को बोले ना तो क्या चूज़ करोगे आप, ये भी कमेंट में बताना, ठीक है? ओके, तो इसमें भी मैं एक चीज़ बताता हूँ यार आपको। देखो सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, सक्सेस के साथ आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ठीक है, या सेटिस्फेक्शन के साथ सक्सेस मिल रही है तो ठीक है, मतलब दोनों एक साथ होने जरूरी हैं, अदरवाइज ना सेटिस्फेक्शन का फायदा ना सक्सेस का। तो देखो कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को सेटिस्फाई करना। देखो एक कोटेशन है इस पर, मैं आपको बताता हूँ कि बी सक्सेसफुल बट नेवर सेटिस्फाइड। यार ये कोटेशन सुनने में इतनी मोटिवेट करता है, ये इतना मोटिवेट करता है, और किसी को बोलो तो वो कहेगा यार भाई क्या बात कर दी, मतलब। बट रियलिटी इससे भी डिफरेंट है यार। तो रियल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ बट नेवर सेटिस्फाइड। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके आप मतलब ढूंढने की कोशिश करोगे ना दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। देखो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो डिमोटिवेट कर रहा है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो रियल में कैसे मोटिवेट रहना है मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो सेटिस्फेक्शन जहाँ आपको मिल गया ना, वहाँ मोटिवेशन मिल गया आपको। तो सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप एनफ कोशिशें कर दोगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई एग्ज़ाम या आप बॉडी बना रहे हो या कुछ भी, मतलब कुछ भी कर रहे हो लाइफ में जैसे, ठीक है? तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, सो कंक्लूजन यही निकलता है लास्ट में कि यार आपको ना कभी भी क्विट नहीं करना है। और मोटिवेशन कहाँ से लेना है? मोटिवेशन लेना है रिजल्ट से, मोटिवेशन लेना है सेटिस्फेक्शन से। तो मोटिवेशन आपके आसपास ही है और आपके खुद में मोटिवेशन है। मतलब बहुत टाइम लाइफ में ऐसा होता है हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं बड़ी मेहनत से या बड़े ही जोश के साथ कुछ कर रहे होते हैं, बट हमको जो एक्सपेक्टेशन होती है ना उस पे वैसे ही हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको मोटिवेशन वहीं से ढूंढना है कि यार मैं एनफ कोशिशें कर देता हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपना खुद को सेटिस्फाई कर लेता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही मोटिवेशन है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।